يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نفر قلوب العارفين بالغيب معرفة وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام जानवरों पे, परिंदों पे सूरों के नाम रखे हैं, जैसे सूरह
वाला सूरह सूरह बकरा है, गाय वाला सूरह वो कोई आता है, इसलिए से अल्लाह ने नाम रखा है। तो सूरह नमल के अंदर जनाब सुलेमान ने हाथ में चुनौती उठाई थी, अल्लाह का उस चुनौती का कलाम करना इतना पसंद आया उसके नाम पे सूरह रख दिया। जहनों में है ना कहीं चूटी ने क्या कहा था कि हाथ उठा के कहा था परवरदिगारा गुनाह किए हैं तो इंसानों ने, गुनाह किए हैं तो इंसानों ने, हमने क्या किया है, तू बारिश बरसा इंसानों के गुनाहों की वजह से, तू कहर भेजता है, सैलाब आते हैं तो इंसानों के गुनाहों से, और कहर पड़ते हैं तो इंसानों के गुनाहों की वजह से, हमने क्या किया।
क्योंकि मेरे तमाम मुसलमान भाई सुनेंगे तो फॉर द रिकॉर्ड, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि सिर्फ रिकॉर्ड के खातिर मैं पेश कर रहा हूँ अल्लाह अकबर का ये शेर, ये मैंने क्योंकि कहा वाहिद बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह मैं अकबर का ये शेर पेश कर दूं इसमें अल्लाह अकबर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वाहिद बिस्मिल्लाह बिदा माने ये जिद्दे अजीम मोहम्मद बिसर, अल्लाह अकबर कहते हैं क्या कहने बाप बेटा को, बाप पाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता है, बेटा जिद्दे अजीम का मिसाल है, बाप अली है बेटा हुसैन है, उसके फौरन बाद सूरह साफ़ात उसमें अल्लाह ने जिक्र किया है ना कि ज़िद है अज़ीम है, दोनों का बड़ा अजीब और गरीब नस्बत है जनाबे इस्माइल और जनाबे सैयदुल शहदा में, वो तस्ल हुस्को दस मुहर्रम को, वो भी नबी ज्यादा ये भी नबी ज्यादा, वो भी कुर्बानी के लिए ये भी कुर्बानी के लिए, वो कुर्बानी से बचा तो ईद है, ये कुर्बान हुआ तो गम है, नहीं मजमा हमसे मुसलमान पूछते कि नहीं खुशी मनाओ शहीद हो गए थे उम्मत बख्शी गई, मेरा कोई भी जवाब नहीं है कि किस आयत को पेश करो किस हदीस को, हर मुसलमान को दावत है, आप ये तसव्वुर कीजिए कि सरवरे कायनात हबीबे खुदा करबला में हो गए तो खुशी मनाते या गम, अगर अभी भी नहीं पहुंचे कि सरवर कायनात खुश होते या मंगी अफराद अभी तक नहीं पहुंचे, तो शिया सुन्नी तमाम किताबों में बात लिखी है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा असर के वक्त आशूरे के दिन कैलूला फरमा रही थी, कहती कि मैं कुछ देर के लिए असर के वक्त आशूर के दिन सोई तो अचानक ख्वाब में देखा पैगंबर इस्लाम के सर में ख्वाब, मैं मसाइब का नहीं ऐसा जुमला पेश कर रहा हूँ, तो कहा या रसूलल्लाह मैंने कभी आपको इस हालत में नहीं देखा, ये क्या हालत बना रखी है आपकी, रेशे मुबारक उतर है आंसू से आंखें सुर्ख हैं सर में खा, कहा उन्होंने सलमा मेरा लबासा मारा गया, जाने के नामी आज बहुत से मुल्ला मुफ्ती ये कहते थे जुमला टेलीविजन पे जा रहा है इसलिए पेश कर रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी का जवाब दो कि नहीं आशूरा खुशी का दिन है गम का दिन नहीं है, ओ उम्मत मान लो तो जो सुन रहा है तुम नाव की ना मानना माफी मान लो, इशारा कर दीजिएगा कि बात समझ में नहीं आई तो हम मैं और वजाहत कर दूंगा, इल्मे कलाम का एक पुराना मौजू, इल्मे कलाम थियोलॉजी का पुरानी बहस है, इस्म और मुसम्मा, इस्म नाम मुसम्मा जिसका वो नाम है, मैं मुसम्मा, इस्म क्या है सैयद अली रजा रिज़वी, ये इस्म है, मेरे मां बाप ने मेरा नाम रखा, माँ ने मन्नत मानी थी बेटा हुआ तो अली रजा नाम रखूंगी मौला इमाम रजा के नाम रखा, इत्तफाक का नस्ल से भी हो तो रिज़वी भी हो नाम उन पे है, ये अल्लाह का करम कि उसने सरवरे कायनात की नस्ल में रखा तो सैयद का वैसे लकब मिल गया, तो ये अलकाब को तो मिल गए सैयद रिज़वी, माँ बाप ने नाम अली रजा रखा तो सैयद अली रजा रिज़वी नाम रख गया, ये है नाम, ये है इस्म, अरबी में कहते हैं इस्म, उर्दू में कहते हैं फारसी में नाम, मुसम्मा मैं हूं,
बदल भी लूं। मुसम्मा वही रहे। मैंने कहा था मैंने इल्मी मौजू छेड़ दिया, 1000 साल से ज्यादा पुरानी बहस है तमाम मुसलमानों की इल्मे कलाम की किताबों, इसे समझ लीजिएगा, इसी को मुझे पेश करना है बिस्मिल्लाह की तफसीर में इस्म और मुसम्मा। अब यहां के बच्चे अंग्रेजी मीडियम पढ़े हुए हैं, नेम एंड द नेम, मुसम्मा यानी द नेम, जो जिसको नाम रखा गया, जिसका नाम आपने माइक्रोफोन रखा, वो कैमरा नाम रखा, इमाम का नाम रखा, इस इमाम का कोई मखसूस नाम भी होगा, दरबारे हुसैन तवज्जो। एक आदमी कहता नहीं मैं नाम बदलना चाहता हूं, दरबारे महबूब भी रखना चाहता हूं, नाम बदल की जगह जगह नहीं बदल दे, यहां तो ऐसा नहीं होता, मदीने में हुआ है, बहुत सी जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, जगह वही है, मक्के जाएंगे मस्जिदों के नाम बदल गए, मस्जिदें वही है, नाम ना कहवाइए खुदा रहा। मैं इशारे करके आगे बढ़ना चाह रहा था, आपकी खामोशी मुझे मजबूर कर रही है, जब आप मदीने जाएंगे ना तो जगह है, आज उस मस्जिद का नाम कुछ और है, तारीख में मस्जिद के नाम पर मस्जिद रब शम्स, ये वो जगह जहां पैगंबर ने सूरज पलटाया था। अब पहुंच गया अपना मस्जिद रब शम्स, तो बहुत सी मसाजिद के आज नाम बदल दिए गए हैं लेकिन मस्जिदें वही है। मक्के मदीने के अंदर एक मस्जिद है, शहर से बाहर निकलने के बिल्कुल सफेद रंग की मस्जिद है, उस मस्जिद का पैगंबर ने नाम रखा था मस्जिद मुबाहला, ईसाई आए थे और मुसलमानों में से कोई नहीं गया पंजाब में पाक के सिवा। आज मस्जिद का नाम कुछ और है, समझ है मेरे साथ, तो इस्म बदल जाता है मुसम्मा वही रहता है, बात पहुंची या नहीं पहुंची, इस्म बदल भी दे तो मुसम्मा वही, तो इस्म और मुसम्मा एक नहीं। अरबी में कहते हैं कुछ मुसलमानों ने बहस की इस्म ऐन मुसम्मा, इस्म ऐन मुसम्मा, इस्म मुसम्मा एक ही चीज है, हमारा अकीदा यह है इस्म गैर मुसम्मा, ऐन मुसम्मा नहीं, इस्म और है मुसम्मा और है। मैंने इतनी दलील दी है, चलिए आगे बढ़ा, वापस आऊंगा इसी बहस को वाज़ह करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्कूलों में आपने ग्रामर पढ़ी होगी, कलिमा वर्ड, उसकी तीन अक्साम बताई गई है अरबी में, इस्म फेल हर्फ, नाउन वर्ब पार्टिकल। अब सारे मुझे पता, मैं सोच रहा होगा बोला मैंने ग्रामर का दिया था सुन, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं जब बात वाजे हो गई तो आप घर जाके भी मुझे दुआएं दें। कलमे की तीन किस्में, इस्म फेल हर्फ, इस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखिए इसमें कितने कलिमात हैं, मैं गिनवाना शुरू करता हूं आप गिनना शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा हर्फ है, उसके बाद है इस्म, कसरत इस्तेमाल की वजह से अलिफ गिर गया, ये था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अलिफ गिरा रह गया बिस्मिल्लाह, क्योंकि सूरह इकरा के अंदर बस एक ही मतलब आया था वहां पे इकरा बिस्म रब्बिका अल्लज़ी खलक। चलिए मेरा आपसे वादा है कि जरूर लुत्फंदोज होंगे, इल्मी लिहाज से मैं बहुत इल्मी पेचीदा बहस पेश कर रहा हूं, तो बा हर्फ, इस्म 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 फिर हर में से इस्म इस्म, अल्लाह इस्म, अर्रहमान इस्म, अर्रहीम इस्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पांच कलिमात हैं, पांच कलिमात हैं, पांच कलिमात हैं, एक हर्फ है, चार इस्म है, पंजतन पाक को देखिए एक बीबी है, चार मर्द है।
तो मेरे साथ रखिएगा, तो बिस्मिल्लाह कहना भी नहीं, बा हर्फ है, हर्फ के अपने माना इसम से मिलके आते हैं। लुगवियों ने, लुगत वालों ने, ग्रामर वालों ने बे के नौ मानी लिखे अरबी में, अब सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि जानता हूं मजमा पूरी तवज्जो नहीं रख पाएगा। नौ मानी कितने? बा के नौ मानी, इसम यानी नाम, अल्लाह अल्लाह का नाम है, बाकी तमाम सिफात है, अल्लाह अल्लाह का नाम है। अब ये बहस है कि ये क्या था, अल इलाह से अल्लाह हुआ, अल इलाह अल्लाह हो गया या नहीं, अल्लाह ने कहा ये मेरा नाम है, भैया कि जो अल्लाह नाम बता दे वो उसका नाम है, तो उसने खुद कहा ये मेरा नाम है, और इसलिए कहा गया कि अल्लाह ना कहो अल्लाह, क्यों? चार बुत थे, लात मनात हब और उज्जा। लात को अरब कहते थे अल्लात, अल लगा के कहते थे अल्लात, तो अल्लाह और अल्लात मिल जाते थे, तो पता नहीं चलता था ये अपना वाला है या मुशरिकों में से है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ये अल्लाह कहने वाला है या अल्लात कहने वाला है, तो अल्लाह ने कहा मुझे अल्लाह ना कहो, हबीब खुदा ने फरमा तो अल्लाह, जब भी कहो तो अल्लाह, ताकि पता चले लात वाला नहीं है अल्लाह वाला है। और से सुनिएगा, बा नौ मानी लिखे उदबा ने, लुगवियों ने ये अल्फाज इस्तेमाल करने पे मजबूर हूं क्योंकि बात बहुत आगे तक जा रही है। लुगवियों ने नौ मानी लिखे हैं, बा के बे बिस्मिल्लाह का मानी नहीं, अरबी में कहते हैं बा, उर्दू में बे, नौ मानी, बिस्मिल्लाह में सिर्फ दो मुमकिन है, इब्तिदा के माना में या इस्तेआनत के, इब्तिदा या इस्तेआनत, इब्तिदा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, तमाम लुगवियों में, इसमें शिया सुन्नी का मसला नहीं है, तमाम लुगवियों में बस दो ही मानी लिखे हैं, बिस्मिल्लाह में कितने मुमकिन है? दो, तमाम लुगवियों में लिखा सिर्फ दो मुमकिन है, हद तक क्रिश्चियन में भी लिखा जो अरब के अदील है, अरबी जबान के दो मानी मुमकिन, या इब्तिदा के या इस्तेआनत, इस्तेआनत यानी मदद, मदद अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। दोबारा मेरी बहस जहन में ले आइए, इस्म और है, मुसम्मा और है, तवज्जो भाइयों, पास मुसलमान कहते हैं सारे नहीं, अक्सरियत मानती है कि अल्लाह से मदद मांगना तो सब कहते जायज है, बाज ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत है, गैरुल्लाह से यानी अल्लाह के अलावा किसी और से, बाज ये कहते हैं अल्लाह से मदद मांगना जायज, गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत, शिया अकीदा यह है कि अल्लाह से मदद मांगना भी जायज है, गैरुल्लाह से मदद मांगना भी जायज है, अल्लाह से मदद मांगना भी इबादत है, गैरुल्लाह से मदद मांगना भी इबादत है, कि हमारा अकीदा। तो आइए जरा दोबारा इस बहस को पेश कर रहा हूं, इया का नाम बताओ, इया का नसाई की जब तफसील में आऊंगा तफसीलन उस पर दलीलें पेश करूंगा, आज नहीं कल नहीं, जब इया का नाम बताओ इया का नसाई पे पहुंचूंगा तफसील से दलीलें दूंगा कुरान से हदीस से, कि या अली मदद कहना जायज है, पहुंच गई बात, अभी तो ऐसे नहीं किया, एक अभी तो सिर्फ मैंने कहा है, आप इतने है ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، بعد میں پیش کروں گا، دو دن ابھی ہیں تفصیل سے، آج سن لیجیے، پہ جانے کے رانی، اسم غیر مسمی، اسم اور ہے، مسمی اور ہے، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسم عین مسمی، اسم ہی مسمی، اگر اسم ہی مسمی ہوتا تو جب ہم کہتے ہیں نا آگ تو زبان جل جاتی، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، چلیے گا آپ میرے ساتھ۔
मंतिक और फलसफे के रूप से पेश कर रहा हूं। अगर इस ऐन मुसम्मा होगा, इसम ही मुसम्मा होगा तो आप कहने से मुंजर जाता, जबकि ऐसा नहीं होता। वो जो सामने भड़कती हुई आग है ना, उसका नाम आप पानी रख लीजिए। इसम बदल जाएगा, मुसम्मा नहीं बदलेगा, आग फिर भी जलाएगी। ऐसा ही है। तो कुछ लोगों ने जवाब में यह कहा कि नहीं, इसम ऐन मुसम्मा। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ना हलवा, तो मुंह में पानी आने लगता है। उन्हें यह समझ में नहीं आया हलवा कहने से मुंह में पानी आता है, हलवा नहीं। बताने की रानी बात पहुंच रही है मेरी। मैं मनू हूं आपकी मोहब्बतों पर गौर से सुन रहा हूं। मैंने बहुत इल्मी मौजू पेश किया। 1000 साल से हमारी किताबों में शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर अत्तबियान 1000 साल पहले लिखी है, उसमें उठा के देख लीजिए, बहस मौजूद है। उन्होंने जवाब लिखे अल्लामा तालिब जौहरी अहसनुल हदीस के अंदर मरहूम आलमनामा ने जिल्द नंबर 1 में जवाब लिखे। सब ने बहस की है, सब ने जवाब दिया। मैं अकेला नहीं हूं जो मौजू को छेड़ रहा हूं। मैं 1000 बल्कि 1200 साल की बहस का खुलासा पेश कर रहा हूं। 1250 साल पुरानी बहस है। सिर्फ मुतकल्लिमीन में नहीं, फलसफियों में भी बहस जा चुकी है। सारे बहस रहे हैं। कुछ कह रहे इस्म ऐन मुसम्मा, हम कहते हैं इस्म गैर मुसम्मा। बात वाज़ह हो गई है, सबको पता चल गया इस्म ऐन मुसम्मा नहीं, इस्म और है, मुसम्मा और, इस्म गैर मुसम्मा। अब सारे बंदे की तवज्जो हो, इस्म मुसम्मा नहीं है, इस्म और, मुसम्मा और। अब सुने बिस्मिल्लाह को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मदद अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, अल्लाह से नहीं, नाम से अल्लाह है या नहीं, जो नहीं पहुंचे बिस्मिल्लाह बेइस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम। मदद अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नाम से। इस्म और है, मुसम्मा और है। अल्लाह ने कुरान शुरू किया तो कहा मदद अल्लाह के नाम से, अल्लाह से नहीं। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदत होगा तो अल्लाह कभी ना कहता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मदद अल्लाह के नाम से किताब को ही किताब का नाम है किताब को ही शेख सदूर ने लिखी है। बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। क्यों? इस किताब का तर्जुमा मैंने किया। रट के नहीं कह रहा हूं, किताब का तर्जुमा 9 साल लगा के अंग्रेजी में मैंने तर्जुमा किया। 1000 से ऊपर से लेके किताब है, तर्जुमा मैंने किया। अब इमाम से रिवायत क्या मौला, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह के नाम से। कई मतलब अल्लाह अपना कहता है, कभी कहता है अल्लाह के नाम से। वल्लाह तस्माउल हुस्ना, तमाम प्यारे नाम अल्लाह के हैं। अल्लाह को उसके नामों से पुकारो, मदद अल्लाह के नाम से, अल्लाह से नहीं। तो छठे नाम से पूछा मौला जी अल्लाह के नाम कौन है, तो आपने बोला नहनो अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे नाम हम आले मोहम्मद। इब्तिदा की है, इया के नाबुद व इया के नस्तईन पे पहुंचेंगे, तफसील से दलीलें दूंगा।
कुरान और हदीस से मैं भी पेश करूंगा। अभी मैंने सिर्फ कुरान की एक आयत से पेश की और एक हदीस मासूम अलैहिस्सलाम की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदद अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह ने कुरान को शुरू किया तो क्या गैर अल्लाह से मदद मांगना जायज है? वो अफराद जो कहते हैं कि नहीं, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, वो तो खुद कह रहे हो गए ना, सारी जिंदगी मांगते रहते हैं, खाने को दे दो, पीने को दे दो, मस्जिद का चंदा दे दो, तो जाके अल्लाह से मांग रहे, लोगों से क्यों मांग रहा है? लोग हैं या नहीं? अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना बिदअत है, तवज्जो, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना अगर बिदअत है तो लोगों से मांगना बंद करो। नहीं पहुंचे किसी से मदद मांगना बिदअत है। भाई आप मांग रहे हैं मुझे पानी दे देना, मुझे खाना दे दो, घर में ही मांगते हैं, और ऐसे ऐसे अफराद बीवी तक से मदद मांगते हैं, खाना बना देना, और माफी तक मांगते हैं। जो अफराद अली से दौड़ते हैं ना, जो अली से भागे वो औरतों से गरीब होता है। नहीं है मुझे 10 से 15 मिनट की जहमत देना आपको, तो मजमा मेरे साथ रहे अजीजाने के नाम। अब ये फराक कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना बिदअत है, और उस बिदअत ही हमारे यहां भी आने लगे हैं। पहुंच गई हो कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकते, तो अगर हम कहते हैं आप सारी जिंदगी मदद मांगते हैं, हर एक से मदद मांग रहे हो, मेरी मदद कर दो, घर बनाने में मदद, गाड़ी लेने में मदद, हर काम में मदद मांगा था, नहीं मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते, जिंदों से मांग सकते हैं, तो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। 1400 साल से हम यही बता रहे हैं, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। नहीं है मदमा, नहीं है, लो सारा मदमा नहीं है, कुछ लोग पहुंच गए, सारा मदमा की तवज्जो, खुदा की कसम मेरे सीने में दम नहीं है, मेरे गले में दम नहीं, हम यही 1400 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, जिंदों से मदद मांगो, जिंदों से। मौला अली कहते हैं कुछ लोग चलते फिरते हैं, चलती फिरती लाशें, यही हम समझाना चाह रहे हैं, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। कुछ लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, ऐसा दौड़ते हैं घोड़ों को भी चलते हैं, बिल्कुल ताकत नहीं है। पेश करता हूं उसे सुन लीजिए, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाना। जाने की रानी हम कहते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, मुर्दों से, जिंदों से नहीं, जिंदों से नहीं। तो
तो आपसे कोई पलट के कह देगा कि नहीं तुम्हारे काम को मिलता है तो तुमने कुरान पढ़ाई या नहीं? अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह तहसबन्ना लजीना कुतिलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरजकून। खबरदार गुमान भी मत करना जो रहे खुदा में मारे जाए वो मुर्दा है, वो जिंदा है, पर्दा तुम्हारी आंखों में है। इसलिए हम उससे मदद मांगते हैं, शहीद जिंदा हो, हम मुर्दों से मदद नहीं मांगते। तवज्जो तवज्जो, हम जिंदों से मदद मांगते हैं, मुर्दों से नहीं। मुर्दों से मदद मांगने को हम भी कहते हैं बेटा अच्छा। तो अगर कोई पलट के कहे कि तुम्हारे सब तो शहीद नहीं है, तुम्हारे आइम्मा का हर बेटा तो शहीद नहीं है, तो हर बेटे से क्यों मदद मांगते हो? जो शहीद है उससे मदद मांगो, अब्बास इब्ने अली से मदद मांगो, अली अकबर से मदद मांगो, कासिम से मदद मांगो। या अलैहिस्सलाम शहीद, जो बेटे शहीद नहीं, हजरत मासूमा, हजरत मूसा बदलता, इनसे क्यों मदद मांगते हो? क्योंकि हम पैगंबर को मांगते हैं और पैगंबर कह गए अल्लाह दमन माता अला हुक्म आले मोहम्मद, माता शहीदा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मुर्दा नहीं होता, शहीद होता है। अहले बैत का तो मानने वाला भी मुर्दा है, उनका मानने वाला शहीद है। और इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर में इस हदीस को नकल फरमाया। इमाम मुजाहिद ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर अल-कशाफ में इस हदीस को नकल फरमाया। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने, हमारे उलमा ने इन सब ने फरमाया कि सरवर कायनात ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहादत की मोहब्बत आले मोहम्मद माता शहीद है। यही लोग माता मकफूरुल्लाह किसे कह रहे सहाबा से है, मेरे सहाबा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो बोलना उसे तौबा करता मरता है। तो आठ जुमले हैं जो मोहब्बत में मरे और तीन जुमले हैं जो बोझ में मरे। बस एक जुमला पेश करूंगा मकमल कि जिसमें आप फरमाते हैं अला माता अला बुख पे आले मोहम्मद, माता काफिर ये भी है। और याद रखो मेरे साहब जो मेरे आम की दो सुनी दुनिया से जाए वो काफिर अलावा माता अला बुख पे आले मोहम्मद जो उसे मोहम्मद में बने तो उसे कयामत जब आएगा ना तो पैगंबर फरमाते हैं उसकी पेशानी में लिखा होगा हुआ मायूस पर रहमत अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। क्यों? क्योंकि आले मोहम्मद का बोझ रखता ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बस एक एक रिवायत पेश करूंगा की फजीलत हमारा अकीदा ये है। मैं आगे कमर नहीं कर सका, मैं बहुत से बताने के लिए लाया था लेकिन नहीं पहुंच सका। दो से तीन हदीस जल्दी पेश करूंगा। पहली हदीस चार नजर याद है, एक कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किसी सूरह का जूस नहीं, दूसरा नजर यह सिर्फ सूरह फातिहा का जूस, तीसरा नजर यह बाकी सूरों का आयत के तौर पर जुज नहीं लेकिन जुज है अगली आयत यानी बिस्मिल्लाह लिखेंगे फिर अलिफ लाम मीम यहां पे जाके आयत नंबर। चौथा नजरिया
صالح علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جزء ہے, ہر سورہ کا کوئی شام سے آیا ہوا. مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی, اس نے کہا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاؤں گا. مدینے والے جمع ہو گئے, اس نے نماز پڑھایا, بسم اللہ نہیں پڑھا, بسم اللہ نہیں پڑھا. ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے, انہوں نے فوراً نام دے کے کہا سرقت سلاتے اور نصیب الفاتحہ, کیا تم نے نماز میں جوڑے شروع کر دی ہے؟ تو فاتحہ بھی بولا پہنچ رہے ہیں, تم نے نماز میں کیا چوری شروع کر دی ہے یار؟ فاتحہ تک بھول گیا, بسم اللہ کے بغیر کام میں نے کیا کیا؟ تو تم نے بغیر بسم اللہ کے فاتحہ پڑھی. اتنا شور تھا صحابہ کا, اسے نماز دوبارہ پڑھا دی پر بسم اللہ سمیر پڑھا دی. اب جب شام جاؤں گا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تب تک بسم اللہ قرآن سے نہ نکل پا رہی تب تک چین سے نہیں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ پائے بسم اللہ نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں, اس لیے ہمارے یہاں تاکید ہے کہ اخفاتی نمازوں میں بھی, ظہر اور عصر کی نماز میں بھی جب سورہ دھیمی آواز میں پڑھا جاتا ہے تب بھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھو. یاد ہے نا میرے بچوں کا مسئلہ, میرے بزرگ میرے بھائی, ہمارے یہاں فقہی مسئلہ کہ وہ نمازیں جو دھیمی آواز سے کم آواز پر جاتا ہے تو اس میں بھی بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا. یہ اونچی آواز سے آپ گھر کو بتا رہے ہیں میں معلوم آ رہا ہوں, اگر بات پہنچ گئی ہو تو میرا علی والا بھائی میرا بچہ نماز تک نہ کرے, اور نماز جو پڑھے تو ویسے پڑھے جیسا پیغمبر بتا کے گئے, جیسے چھٹے امام علیہ السلام نے نماز بتائی ہے, بسم اللہ ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھیں, کبھی دھیمی آواز میں نہیں. ایسا نہ گرا ہمارے لاکھوں درود و سلام شہداء کربلا پر, اور ان بچوں جو میدان کربلا میں آئے لیکن کربلا میں آنے والا کوئی بچہ تو کبھی بھاگا نہیں. جب سوال کیا پوچھنا ہو عمر صاحب اور فوج سے, عمر صاحب یزیدی فوج سے, تم نے بچوں تک کو مار دیا, اتنے بچوں کے سر آئے میزوں میں. حضرت قاسم کا سر جناب قاسم کی بھی گاڑی بھی نہیں آئی, ساڑھے تیرہ برس کی بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ حضرت علی عثمان مولانا محمد کئی بچوں کے ساتھ آئے, ان کی تو چہرے بتا رہے ہیں یہ چاند پانا. سپاہی سے پوچھا تم بچوں کو کیوں مارا؟ ہم نے نہیں مارا, یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے, ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پوری فوج پہ گرا ہوا, نہ جانے حسین نے کیا کر دیا تھا جو حسین کا عاشق ہو رہا ہے, وہ مولا حسین پہ جان قربان کر کے خوش ہو رہا. بس بھائی آئیں ذرا ساتھ چلیے گا, اب مخصوصیاں شروع ہو رہی ہیں. بسم اللہ کا گھرانہ ہے اور مولا علی کی بیٹی ہے زینب کبرا سلام اللہ, بیوی کے دو بیٹے ہیں حضرت اور حضرت محمد علیہ السلام, بیوی دونوں کو لے کے کر رہا. جب شہادت شروع ہوئی تو جناب زینب کبرا نے جناب عباس علیہ السلام کو بلایا, عباس ذرا میرے بھائی سے کہو مولا محمد کو اجازت دے دو میدان کازار میں جائے. جناب عباس علیہ السلام نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کی, مولا بی بی فرما رہے ہیں مولا محمد کو اجازت دے دو.
करने के पास आगे बढ़े करके जा रहे हैं, एक मरतबा सुबह प्रभाव करना चलेगा। जनाब सैनब ने मरतबा का अब्बास भाई हुसैन से कहूं मेरे मरतबा हुसैन मेरे बेटों को जाने दें, मैं जाना चाहूंगा। तो जब एक मतलब
लिए एक बेटे को मौला हुसैन ने सवार कराया, दूसरे दिन आते हजरत के बेटे को हजरत अब्बास ने सवार कराया। दोनों बहुत बड़े हजरत जाफर तैयार थे, बोलते मौला अली अलैहिस्सलाम की हजरत बना के मेरा सफर पे देख कर देखेगा आखिरी दिनों में शुरू। जब दोनों सवार हुए ना, दोनों ने दूसरे को देखा, जनाबे उमर मोहम्मद ने दूसरे को देखा और कहा भाई मैं मेमने पे हमला करता हूँ, आप मैसरे पे हमला करें, दोनों ने हमला किया, दोनों कल पे पहुंचे। एक ने दूसरे से कहा आज जरा आगे बढ़ते हैं, मामू के दुश्मन को मेरे साथ के बदल करते हैं, मेरे साथ ने देखा बोले तेजी से आगे बढ़ा, उसने आवाज दी सारे लश्कर से कहा हमला करो। ये दोनों बच्चे बहुत बहादुर, एक मतलब थोड़े दो, एक के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में कौन सा लगा, एक उसी वक्त शहीद होने गया, दूसरे ने आवाज दी मानू यार हमारी मदद तो आएंगे, हम दोनों गिर गए दुश्मनों पे लड़ना। मौला हुसैन ने बहुत तेजी से मुजरा को बोला मक्तल में पहुंच, मैं भी पढ़ूंगा अभी आप सांस ले लीजिए, मैं पढ़ूंगा से जाने लगी ना चलते, फिर भी मैंने कहा मोहम्मद खुदा हाफ हो गया।
ماں مدینے واپس جا رہے بس بیٹی بھی مدینے واپس آ گئی. پہلے نانا کے روزے پہ گئے, کہا نانا میں سفر قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شکر کے حسین کا نانا ہوا. نانا جب خنجر چلا میں دیکھ رہی تھی. زینب مجھے کتنا بتائیے, یہ آپ کی کلائیوں کے نشان کے اثر ہے.